एक्टर डिफिकल्ट रहा या इजी रहा, या फिर ये जॉब का इजी, कितना कितना एंजॉय किया आपने बीइंग एन एक्टर? मैं बहुत इन्जॉय किया मैंने, और मैं जूनियर एक्टर था इसमें, सब बाकी सब लोग मेरे से सीनियर थे, सब के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया और अनुभव अच्छा रहा। डायरेक्शन तो मैं करता ही हूँ, एक नया और हमने कुछ करने की कोशिश की। सर दोनों चीज़ें कैसे संभाल लिया हाँ। बहुत यूनिक तरह का प्रमोशन है, फिल्म रिलीज हो रही है, पुलिस व्यवस्था पर है, पुलिस वालों पर है, 300 IPS अफसरों को बुलाया है आपने देखने के लिए, क्या कहना चाहेंगे, कैसा, कहीं आप लोगों ने उनको पहले से फिल्म दिखाई है थोड़ी बहुत, क्या रिएक्शन रहा है उनका? नहीं, अभी पहली बार फिल्म दिखाई जा रही है। इस फिल्म के प्रमोशन में हम करीब करीब 16-17 शहर में गए हैं, और सभी शहरों में हमने पुलिस के ग्रुप से, पुलिस के महकमे से, चाहे वो ATS हो, चाहे महिला पुलिस हो, या पुलिस ऑफिसर्स हो, या हायर लेवल के पुलिस ऑफिसर्स हो, उनके साथ हमने चर्चा की है। उन्होंने गंगा जल देखी हुई थी, गंगा जल की चर्चा वहाँ हुई, और गंगा जल के साथ में नहीं आने वाली फिल्म का ट्रेलर देखा लोगों ने, क्यों ये फिल्म बनाई उस पर विचार किया, और उन सबका काफ़ी उत्साह है। उसी उत्साह के मद्देनज़र हमने ये प्रीमियर शो, पहला शो जो है वो महाराष्ट्र की पुलिस को, उनको आमंत्रित किया है देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए। जब कभी इस तरह की फिल्में बनती हैं तो बहुत रिसर्च करना पड़ता है, रियलिस्टिक जब फिल्में बनती हैं तो जाहिर है कि आप तो, आपने भी पुलिस वालों से काफ़ी इनपुट लिया होगा। जी क्या जी कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, ये पिछले 3 वर्षों से इस पर लगातार काम चल रहा था कि बदले हुए समाज में पुलिस और समाज के बीच में क्या संबंध है, उसके ऊपर फिल्म है। तो ऑब्वियसली करीब 50 पुलिस स्टेशन, पुलिस हेडक्वार्टर्स, ऑफिसेज, कॉन्स्टेबल्स, अलग अलग रैंक के पुलिस वालों के साथ हमारी मुलाकात होती रही, हमारी चर्चा होती रही, उसमें से कहानियाँ निकलती रही, उन्हीं कहानियों को बुन करके ये फिल्म बनी है। आपसे अगर पूछा जाए तो एक बार फिर आप पॉलिटिशियन बने, शायद वजीर में आपने निभाया था, तो बैक टू बैक सिमिलर किस्म का किरदार, नेगेटिव और पॉलिटिशियन का, क्या कहेंगे अपने रूप किरदार के बारे में? किरदार बहुत कमाल है, बबलू पांडे है, वो तो कश्मीरी टेररिस्ट था आज़ाद कुरैशी, और ये एकदम बबलू पांडे मध्य प्रांत का, हिंदी बेल्ट का एक हार्ड कोर पॉलिटिशियन है जो बहुत चार्मिंग है, और उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये पहली बार इस तरीके का विलन देखने को मिलेगा जो हर्ट होता है, रोता है, वल्नरेबल है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है विलन, तो ये वैसा क्लिशे विलन नहीं जो अभी तक देखा गया है, सो इट्स वेरी फन लविंग बिकॉज बड़ी एंटरटेनिंग फिल्म है, उसमें एंटरटेनिंग विलन है। वो साजिश थी मेरी, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत मारा था एक सीन के अंदर में हॉकी स्टिक से, तो मैंने उसका बदला लिया था, साजिश के हिसाब से इनको चेस्ट पे मारना था, मैंने थोड़ा कुछ वो गले पे लग गया। प्रियंका रोती रही, हमें उन्हें मनाता रहा गलती, तो फिर बाद में उन्होंने बताया बेटा प्रियंका गलती नहीं है, सब मेरी साजिश है, मैंने सब तय किया, तो 1 घंटा जो हमारा उसमें बर्बाद हुआ और मेरे को लग अलग गई। हाँ सर, लास्ट की जो फिल्म अपनी गंगा जल थी उसमें अजय देवगन थे, और जो भी आपके मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स है उसमें आप अच्छा सर रहते ही रहते हैं, तो इस फिल्म में क्योंकि उसका एक सीक्वल मांग लिया, या फिर ऐसी कुछ जो इर्द गिर्द कहानी घूमती है पुलिस वालों की, तो आपने ये नहीं सोचा कि अजय देवगन ही रहे इस फिल्म में, आपने प्रियंका जी को लिया सुनने से? फिल्म की जो कहानी होती है, जो डिमांड होती है, उसके हिसाब से कास्टिंग होती है। महिला पुलिस के किरदार में अजय देवगन को तो मैं नहीं लेके आ सकता था, कितना भी मेकअप करता तो बड़ा मुश्किल होता कन्विंस करना। तो महिला पुलिस के किरदार में वही ऑफिसर मेरी कहानी की डिमांड है, तो महिला को ही लाना पड़ेगा ना। सर आपकी इस फिल्म के बारे में गुफ्तगू हुई अजय देवगन सर से, आप उनसे मिले, आपने बताया जी? अजय सर से आप मिले सर, के आपने बताया उनको इस फिल्म के बारे में, गंगा जल के बाद जय गंगा जल को बनाने जा रहा हूँ? हम मिलते ही रहते हैं, हम बात करते ही रहते हैं, हमको सब एक दूसरे के अपने आपस की बात पता रहती है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सर जो एक फिल्म को लेकर आपका जो परसेप्शन होता है उसमें सर कितना एक्टर पार्टिसिपेट करता है, कुछ सजेशंस होते हैं, कुछ इम्प्रोवाइजेशंस कुछ होती हैं सर? आप मेरे ऑफिस में आइएगा, आपकी क्लास में होगा तो बताऊँगा आप। नहीं नहीं अभी बिल्कुल नहीं, अभी तो अभी के सारी चीज़ें तो समाहित हो ही गई, अब फिर कभी कुछ ऐसा लगा कि समाज बदला है या पुलिस के संबंध ऐसे बदले हैं या कोई नई कहानी आई है, तो हर समय समय पर, क्योंकि मैं सीक्वल नहीं बनाता हूँ, सीक्वल बनाता तो एक दूसरे 1-2 साल के बाद
उस कहानी को आगे बढ़ाता है। ये नई कहानी है, नए समाज के परिप्रेक्ष्य में पुलिस समाज के, पुलिस और समाज के संबंध है उस पर आधारित ये कहानी है। फिर ऐसा कुछ होगा तो देखा जाएगा। सर, अजय और प्रियंका के कैरेक्टर को कहना का कंपेयर किया जाएगा, दोनों के काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, अजय का भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर उन्होंने निभाया था फर्स्ट पार्ट में। कल प्रियंका ने खुद ही कहा कि अजय के साथ में उनकी तुलना करना बेकार है, अजय का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका ने दमखम के साथ अपना काम किया है और कहीं भी अपने काम में कोई कोताही नहीं बरती है, और आप सब जानते हैं कि कितनी पर्टिकुलर और कितनी मेहनती वो लड़की है। मैंने मुझे भी सुनने में आया है, उन्होंने भी कुछ ऐसे कुछ इसके अगेंस्ट कुछ गए हैं। हाँ, मुझे भी सुनने में आया है, जैसा आप कह रहे हैं कि उनके उनके ऊपर बेस्ड है, ऐसा मैंने भी सुना, अखबारों में पढ़ा मैंने। लेकिन ये कुछ ऐसे कुछ नथिंग ट्रू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।